वंदे मातरम, नमस्कार। आरजेएस वाणी पॉजिटिव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राम जानकी संस्थान द्वारा सातवां सकारात्मक भारत दिवस 24 जुलाई को मनाया गया और उसमें काफ़ी संख्या में बहनों और भाइयों ने भाग लिया और सकारात्मकता की जो दिशा होती है उसको तय किया गया। और यहाँ पर स्वयं का स्वामी बने के ब्रांड एम्बेसडर आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह जी देवार जी ने लॉन्च किया। स्वयं का स्वामी बनने से किस तरह से आत्मविश्वास बढ़ेगा, किस तरह से अवसाद से मुक्ति मिलेगी और इस कोरोना काल में इसकी बहुत ही ज़रूरत महसूस की गई। इसी बीच ओलंपिक से जब वेबिनार चल रहा था तो खबर आई कि जो मीराबाई चानू जी हैं इम्फाल की, उन्होंने सिल्वर पदक ले लिया है, तो उसे लेकर बड़ी ही खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बधाई देने लगे और सभी ने कहा कि स्वयं का स्वामी बने, ये जो वेबिनार का थीम है जो आज लॉन्च किया जा रहा है, मीराबाई चानू ने तो इसको चरितार्थ कर दिया है। तो बहुत बहुत बधाई कि देशवासियों को भी और ऐसे खिलाड़ियों को भी जो देश का नाम रोशन करते हैं। तो आइए वेबिनार के बारे में फेसबुक लाइव में आगे सुनते हैं उदय कुमार मन्ना क्या कहते हैं। वंदे मातरम, 24 जुलाई 2021 और शनिवार का दिन, फेसबुक लाइव का दिन होता है ये आरजेएस राम जानकी संस्थान सकारात्मक भारत आंदोलन का, और रविवार गुरुवार ये तीन दिन हफ्ते में फेसबुक लाइव में हम लोग जुड़ते हैं, गपशप करते हैं और कुछ समसामयिक बातों की चर्चा करते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है और आज आरजेएस का सकारात्मक भारत दिवस भी है, 24 जुलाई, छठी वर्षगांठ है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आइए आप लोगों को गुरु की वंदना सुनाते हैं। तो गुरु वंदना के बाद अब हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन के उस पॉजिटिव हीलिंग जिससे आती है उस सॉन्ग को सुनते हैं। आपने सुना भी होगा, सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं, ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए, आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो आज 24 जुलाई है और 24 जुलाई सकारात्मक भारत दिवस है और आज का दिन इसलिए भी ख़ास है क्योंकि जो मीराबाई चानू हैं इम्फाल की, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया है और इसे देखकर वेबिनार में जब चर्चा हुई तो सभी ने बधाइयाँ दी, सभी ने बहुत खुशी जाहिर की और ये प्राउड मोमेंट भारत के लिए था कि सिल्वर मेडल भारत के खाते में आ गया। भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में, ये है पहला इस ओलंपिक का ये मेडल है
और इसे लेकर जो वेबिनार में लोगों ने काफ़ी चर्चा की कि ये हम लोगों ने जो स्वयं का स्वामी बनो लॉन्च होना था, तो पहले ही ये सूचना आ गई, तो एक तरह से जो भारोत्तोलक जो हैं मीराबाई चानू, उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर उसको चरितार्थ कर दिया, स्वयं का स्वामी बनो। तो उस पर प्रेस रिलीज जो जारी की गई वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार में टोक्यो ओलंपिक के प्रथम मेडल विनर मीराबाई चानू बनी रोल मॉडल। सकारात्मक भारत दिवस पर टीम आरजेएस ने लॉन्च किया स्वयं का स्वामी बने अभियान और शपथ ली, भारतीय अपने अपने जीवन का चालक बनकर स्वयं का स्वामी बने, कहना था वेबिनार में दी देवाल जी का। आत्मविश्वास और अवसाद मुक्त सकारात्मक जीवन के लिए जरूरी है स्वयं का स्वामी बनना। आगे वेबिनार के बारे में विस्तृत जानकारी। टोक्यो ओलंपिक के भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने के सिल्वर मेडल जीतने की सूचना मिलते ही आरजे सकारात्मक भारत दिवस पर चल रहे राष्ट्रीय वेबिनार में शामिल सभी प्रतिभागियों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रतिभागियों ने भारत के पहले मेडल की एक दूसरे को बधाई दी और कहा कि स्वयं का स्वामी बने को मीराबाई चानू ने चरितार्थ कर दिया, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राम जानकी संस्थान आरजेएस और TJAPS KBS के तपसिल जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र गुंटेगेरी धनियाकली हुगली पश्चिम बंगाल के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय वेबिनार में गुरु पूर्णिमा व सकारात्मक भारत दिवस मनाया गया और स्वयं का स्वामी बने अभियान का लोकार्पण हुआ। स्वयं का स्वामी बने अभियान से भारत के भाई बहनों में आत्मविश्वास और अवसाद मुक्त जीवन के लिए प्रेरणा मिलेगी और लोग सकारात्मक जीवन में रुचि लेंगे। वेबिनार को संबोधित करते हुए अभियान के ब्रांड एम्बेसडर आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार जी ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अपने अपने जीवन का चालक बने भारतवासी और सकारात्मक भारत आंदोलन के बढ़ते परिवार में महिला पुरुष शामिल हों। आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना और TJAPS KBSK के सचिव सोमेन कोले ने बताया कि आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार में 2 सत्रों में 15 राज्यों से जुड़े सदस्यों ने अपने अपने गुरुओं को स्मरण करते हुए सकारात्मक सोच के साथ स्वयं का स्वामी बनने की शपथ ली। वेबिनार का आयोजन आरजेएस स्थापना की 6वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। महिला सत्र में स्वागत भाषण करते हुए आरजेएस सूचना केंद्र जमशेदपुर की प्रभारी डॉक्टर पुष्कर बाला ने कहा कि सकारात्मक सोच से महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। वेबिनार में आयुर्वेद और योग के महत्व और सकारात्मक के अंग्रेजी शब्द पॉजिटिव को डॉक्टर सुरेंद्र कटोच ने बहुत ही सुंदर ढंग से परिभाषित किया। डॉक्टर सुरेंद्र कटोच आयुर्वेदिक कंसल्टेंट और योगा एक्सपर्ट हैं और जो आश्रम है अरविंदो आश्रम दिल्ली और नैनीताल में, वो उस सेंटर में भी जुड़ी हुई हैं। आरजे सूचना केंद्र पटना के प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाला ने धन्यवाद ज्ञापन किया और बताया कि सकारात्मक जीवन में रात्रि मौन ध्यान यज्ञ 2 मिनट से उत्पन्न उद्दीपन ऊर्जा उत्प्रेरक का काम करेगी। वेबिनार को कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी प्रोफेसर बिजन मिश्रा, मोटिवेटर और ब्रॉडकास्टर पारसार्थी थपलियाल, डॉक्टर नरेंद्र टटेसर निदेशक पूर्ति फूड विजन और आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने भी स्वयं का स्वामी बने अभियान का समर्थन किया। वेबिनार में सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए सक्रिय पत्रकार डॉक्टर SS डोगरा, शिक्षक शिक्षिका ज्योति रीना, पिंकी, सविता सहाय, पूनम श्रीवास्तव, मधु राठौर, सुनीता देवी, विजय लक्ष्मी, कमलेश चक्रवर्ती, नयन तारा, ऋषिकेश शर्मा, नवोदित कवियत्री अंशिका श्रीवास्तव और शिक्षक हरीश कुमार शर्मा ने स्वयं का स्वामी बने अभियान को अपनों तक पहुंचाने की बात कही। वेबिनार का सफल संचालन सामाजिक कार्यकर्ता नीरा अरोड़ा और सुमन कुमारी जी ने किया। आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 14 अगस्त को आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार की घोषणा भी की गई, तो ये प्रेस रिलीज भी जारी की गई और इस प्रेस रिलीज को कल आपके अखबारों में और देखने को मिलेंगे। तो 24 जुलाई आज आरजेएस ने अपना सकारात्मक भारत दिवस मनाया, 6 साल हो गए हैं सकारात्मक भारत आंदोलन को। अब 24 जुलाई के बारे में बताना चाहेंगे कि 24 जुलाई जो है वो पन्नालाल घोष, जो भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक रहे हैं, 1911 में 24 जुलाई को जन्मदिन। नाजिश प्रतापगढ़ी, उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर एवं कवि, 1924 में 24 जुलाई को जन्मदिन। और मनोज कुमार, जो भारतीय फिल्म के
अभिनेता रहे हैं, देशभक्ति फिल्में बहुत बनाई हैं, आप जानते होंगे। 1937 में 24 जुलाई को मनोज कुमार जी का जन्मदिन है, जन्मदिन हुआ, और पुण्यतिथि है 24 जुलाई को असम के सामाजिक कार्यकर्ता तरुण राम फुकन का निधन हुआ था 1939 में। हिंदी चलचित्र अभिनेता उत्तम कुमार जी का निधन 24 जुलाई को 1980 में हुआ था, और भारत के मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षाविद यशपाल का निधन 24 जुलाई 2017 को हुआ। मनोज कुमार जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। 24 जुलाई जन्मदिन, मनोज कुमार जी एक हिंदी फिल्म अभिनेता हैं और उनका पूर्व नाम हरि किशन गिरिस्वामी था बचपन में, लेकिन ज़माना था दिलीप कुमार साहब का, अशोक कुमार जी का, तो इन्होंने भी उस परंपरा का पालन किया और मनोज कुमार नाम रख लिया। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म और निर्माता व निर्देशक हैं। अपनी फिल्मों के जरिए मनोज कुमार ने, 84 साल के मनोज कुमार जी हैं, और देशभक्ति की भावना का गहराई से एहसास कराया। मनोज कुमार शहीद आजम भगत सिंह से बेहद प्रभावित हैं और उन्होंने शहीद जैसी देशभक्ति फिल्मों में अभिनय किया, तो कई जनों को प्रेरणा मिली और हिंदी सिनेमा में मनोज कुमार ने बहुत देशभक्ति फिल्में बनाई। उन्हें एक देशभक्त अभिनेता के रूप में भी जाना जाता है। जब 1965 में शहीद फिल्म बनी तो मनोज कुमार जी की छवि एक देशभक्त के रूप में स्थापित हो गई। ये फिल्म स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी, और 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें एक लोकप्रिय नारा जय जवान जय किसान के आधार पर एक फिल्म बनाने को कहा, जिसके चलते उन्होंने वर्ष 1967 में उपकार फिल्म को निर्देशित किया, जिसमें उन्होंने एक सैनिक और एक किसान की भूमिका निभाई। उन्हें फिल्म उपकार के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, और 1981 में उन्होंने फिल्म क्रांति का निर्देशन किया था। अब आइए, पुण्यतिथि है प्रोफेसर यशपाल जी, जो भारतीय शिक्षाविद और वैज्ञानिक थे। तो देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारने में उनका खास योगदान माना जाता है। उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हुए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कारों से नवाजा था। यशपाल दूरदर्शन पर टर्निंग पॉइंट नाम के एक साइंटिफिक कार्यक्रम को भी होस्ट करते थे। भारत में उनका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। वो शिक्षा में ओवरबर्डन पढ़ाई के सख्त विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे की ओर भारत सरकार का कई बार ध्यान आकर्षित किया था। तो ये बातें हो गई आपको यशपाल जी वैज्ञानिक और मनोज कुमार जी की हो गई, और वेबिनार के बारे में हमने बताया। कुछ फोटोग्राफ्स हैं वेबिनार में शामिल लोगों के, तो आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार 24 जुलाई के ये फोटोग्राफ्स हैं। ये इसमें सभी लोग हैं जो वेबिनार में पार्टिसिपेट किए। इसके अलावा सब लोगों ने आकर सकारात्मक भारत आंदोलन का समर्थन किया, सकारात्मक भारत आंदोलन का समर्थन सब लोग कर रहे हैं, तो ये अपने आप में तेज़ी से परिवार भी बढ़ रहा है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, पहले फेसबुक लाइव में दिया गया था कि महिलाओं का भी ग्रुप बन गया है, लगभग 350 महिलाएँ जो हैं उस ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने वेबिनार को भी अपना समर्थन दिया। तो इस तरह से ये सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो चल रहा है। तो आज वेबिनार भी था और फेसबुक लाइव भी, और कल भी फेसबुक लाइव होगा रविवार को, और उसके बाद गुरुवार को, ये 3 दिन फेसबुक लाइव होगा, और तब तक के लिए आप सब अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।